हेलो दोस्तों यार, तो कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं 8:30 के 8 बजे के अंदर ही आप लोगों को न्यू अपडेट दे दूंगा R5M के बारे में। लेकिन आप लोग सभी के यही डाउट्स होंगे कि यार मैं 5 बजे ही क्यों नहीं दिया। सो गाइस, ये जो अपडेट है मेरे को खुद को ही नहीं पता था, अभी अभी जस्ट मेरे को पता चला है। ठीक है, जो ये जो लीक से मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये MRD ब्लॉग्स जो है यूट्यूब चैनल है उनका, ठीक है, मैं उनको काफ़ी दिनों से फॉलो करता हूँ, काफ़ी सालों से उनको फॉलो करता हूँ। तो उनके साथ मैंने बात की तो उन्होंने मेरे को ये अपडेट दिया है। ठीक है, सो ये अपडेट होने वाली है R5M एंड R15 दोनों ही बाइक्स के बारे में। ठीक है ना, सो आप लोग यार ज़रूर वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ये वीडियो, क्योंकि काफ़ी एक अपडेट इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है R5M एंड यामा R15 के बारे में। ठीक है, सो उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो जरूर यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जो है आप लोग दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे बाइक्स के रिलेटेड। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यामा R15 की, तो सभी को जैसा कि पता है कि यामा R15 जो है R15 V3 का जो है एक अपडेटेड वर्सन है, जो कि R7 से फुली इंस्पायर्ड होकर आई है एंड इंडियन मार्केट में ये जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी इसी महीने के एंड तक। ठीक है, सो पिछली दो वीडियोस के बाद मैंने एक अपडेट दिया था कि इस गाड़ी का जो प्राइसिंग के ऊपर, ठीक है, एंड उस अपडेट में मैंने बोला था कि इसका जो प्राइसिंग होने वाला है क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अभी जो है फिर से कुछ न्यू लीक्स निकल के आ रही हैं, कुछ न्यू अपडेट्स निकल के आ रही हैं R15M एंड R15 के ऊपर। ठीक है ना, एक न्यू कलर भी जो है इसका निकल के आया है। ठीक है, सो तीनों ही चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले फिर से और एक बार मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, सो गाइज अगर हम लोग इस गाड़ी की बात करें तो इसका जो पावर है हम लोगों को R15 V3 से 1 BHP ज़्यादा मिलेगा एंड टॉर्क जो है हम लोगों को 1 Nm टॉर्क जो है हम लोगों को ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि हम लोगों को R15 V3 जो पुरानी वाली वर्सन थी, वर्सन 4 में जैसा पावर मिल रहा था उसी टाइप का पावर हम लोग को R15M में मिलेगा एंड R15 में भी उसी टाइप का पावर नहीं मिलेगा, हम लोगों को R15 V3 जैसा पावर मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके प्राइसिंग में अभी भी अपडेट, एक न्यू अपडेट निकल के आ रही है R15 के ऊपर, मतलब कि R15M एंड R15 के ऊपर दोनों ही वेरियंट्स के ऊपर। ठीक है ना, सो अभी जो है हम लोग इसकी प्राइसिंग के मैं पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद इसका जो एक न्यू कलर लॉन्च हुआ है देखने को मिला है हम लोगों को उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम लोग R15 की बात करें तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि R15M की जो प्राइसिंग है वो 1,92,000 94,000 के आसपास रहने वाली है। लेकिन अभी जो है फिर से ये न्यू लीक्स निकल के आ रही है कि R15 जो नॉर्मल वाली R15 होने वाली है उसका जो एक शोरूम प्राइस है, उसका जो एक शोरूम प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो वो होने वाली है 1,74,000। ठीक है ना, मतलब कि 1,75,000 जो है इसका एक शोरूम प्राइस होने वाला है जो नॉर्मल वाले R15 की, एंड इसका जो ऑन रोड प्राइस जाएगी वो रहेगी 1,92,000। ठीक है ना, तो पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि R15M का जो 1,92,000 ऑन रोड होने वाला है, तो इस वीडियो में और एक बार बताना चाहता हूँ कि ये जो अपडेट है ये R15 के बारे में है। ठीक है ना, मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दिया था, गलती से ही उन्होंने दे दिया था कि वो R15M की होने वाली है। ठीक है ना, सो अभी जो है मैं फिर से क्लियर होकर उन यामाहा शोरूम वालों से आया हूँ कि ये अपडेट जो है R15 के बारे में है एंड R15M की अगर हम लोग बात करें तो उसका जो प्राइसिंग होने वाला है 1,94,000 उसका एक शोरूम प्राइस जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप लोग समझ लो 2,12,000 या फिर 15,000 इसका जो है ऑन रोड प्राइस जाने वाला है, जो कि काफ़ी हाई हो जा रहा है एक S150cc बाइक, क्योंकि 150cc के अंदर ये सबसे पावरफुल इंजन प्रोड्यूस कर रहा है एंड अच्छा खासा फीचर्स भी हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन इसका जो प्राइसिंग है काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है एज 150cc बाइक, क्योंकि आप लोगों को RS 200 जो है वो आप लोगों को 1,90,000 के आसपास वो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को और भी 15 से 20 हज़ार ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यार मेरे हिसाब से ठीक ही मैं बोलूँगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छा खासा फीचर्स भी मिल रहा है, अच्छा खासा इसमें हम लोगों को अपडेट्स भी देखने को मिल रहा है एंड जो है यहाँ पर हम लोगों को TFT डिस्प्ले भी हम लोगों को R15M में जो है मिलेगा, जो कि किसी और भी मतलब कि 150cc के अंदर किसी बाइक में भी हम लोगों को TFT डिस्प्ले जो है कलरफुल वाला वो नहीं मिलेगा। ठीक है,
एंड पावर भी जो है आप लोगों को 200 सीसी के आसपास इसका पावर मिल जाएगा, मतलब कि 200 सीसी को आराम से ये हरा देती है। R15 V3 की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो पावर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी मिलेगा हम लोगों को, एंड टॉर्क भी हम लोगों को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, एंड रिफाइनमेंट भी उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो अभी जो ये आराम से इजीली जो है मतलब कि 200 सीसी बाइक को इजीली बीट कर सकती है, ठीक है। सो इसी के लिए शायद से यामा इसको ज़्यादा चार्ज करेगी, एंड फीचर्स भी हम लोगों को अच्छे खासे मिल रहे हैं। सो यही था कुछ गाइस आज के वीडियो में अपडेट, जो कि R15M एंड R15 के ऊपर था, उसका जो प्राइसिंग में अपडेट, एंड जो है न्यू कलर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ब्लैक कलर में, एक जो मेरे को सभी पूछ रहे थे कि R15 या फिर R15M में कोई यार मतलब कि ब्लैक कलर आने वाले ही कि नहीं, ठीक है। इसमें जो है हम लोग को फुल्ली ग्लोसी वाला ब्लैक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग को फुल्ली ग्लोसी वाला एक ब्लैक कलर मिलने वाला है, जो कि R15M में मिलेगा, ठीक है ना। सो हम लोग को पहले जो मैं बता रहा था कि R15M में एक रेड कलर मिलेगा, लेकिन नहीं गाइस अभी जो है लगता है कि R15M में जो है एक ब्लैक कलर भी मिलने वाला है, मतलब कि यहाँ पे R15M में तीन नहीं तो चार कलर जरूर से जरूर मिलेंगे। एक तो है हमारा मोटो जीपी एडिशन, एंड दूसरी जो कलर हमारी होने वाली वो है सिल्वर और ब्लैक कलर वाली, एंड जो तीसरी कलर होने वाली ये ब्लैक कलर वाली, जो कि फुल्ली ग्लोसी में हम लोगों को मिलने वाली है। एंड ये जो कलर है मेरे को पर्सनली मैं बोलूँ अगर तो ये कलर जो है मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर टू और तीन कलर्स, ठीक है ना। एंड ब्लू कलर जो R15 में हम लोगों को मिलने वाली, वहाँ पर भी और एक नहीं तो दो कलर ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है। तो देखते हैं यार कितना कुछ कलर्स हम लोग यहाँ पे मिलेगा। एंड गाइस यही था कुछ अपडेट R15 के ऊपर एंड R15M के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू कलर भी लॉन्च हो चुकी है, लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। एंड जो है यहाँ पे एक प्राइसिंग जो है फिर से डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो प्राइस वो R15M का नहीं होगा, वो R15 का होने वाला है, जो कि 1,92,000 होने वाले। एंड जो R15M की जो प्राइसिंग की बात करें तो 2,15,000 के अराउंड वो चली जाएगी, ठीक है। सो गाइस यही था कुछ अपडेट आप लोगों के लिए, एंड वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर मेरे को कमेंट्स में बताना। एंड आप लोगों में से कौन कौन जो यामा R15M या फिर R15 दोनों में से कौन सी बाइक को आप लोग लेने वाले हो आप लोग मेरे को कमेंट्स में वो भी बता देना, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो जरूर 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 प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन जो है आप लोग दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बाइक्स के रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा एंड हमेशा लाता रहूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।